हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, देखेंगे कहाँ पे इंडी खरीद सकता है, कौन सा डायरेक्शन में। तो शायद आपको याद होगा, कल मैंने आपको बताया था क्योंकि ये जो प्राइस गया था, सो ऑलरेडी इसने जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने दिया था 4146 का आसपास ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे एग्जैक्टली प्राइस हिट नहीं हुआ है तो उसका बाद फ्यूचर मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया। तो मैंने कल इसलिए बताया था क्योंकि ये गया हुआ है तो यहाँ से मार्केट रिट्रेस हो सकता है, राइट। तो इसलिए मैंने आपको एंट्री पॉइंट दिया था 4038, आई थिंक यू रिमेम्बर। सो अगर आपने इसने यहाँ पे एंट्री किया था, मुझे लगता है यहाँ पे आपको 100 पॉइंट के आसपास कुछ मिला हुआ है, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दो कन्फर्मेशन हमें मिला था यहाँ पे एंट्री करने के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक किया था, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल क्रॉसओवर हुआ, जो 5 और 20 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल क्रॉसओवर हुआ यहाँ पे, और साथ साथ में मैंने जो लाइन दिया था इसी मुको लाइन, तो ये भी ब्रेकआउट हुआ था। और RSI जो सॉरी RSI परसेंटेज आर -50 लेवल इसको ब्रेकआउट किया, तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमें सेल एंट्री दिया। तो अगर यहाँ पे एंटी किया तो मुझे लगता है ये जो मैंने सपोर्टिंग लाइन दिया था एग्जैक्टली सपोर्टिंग लाइन आया था। और एक बात मुझे मिस्टर ओमर ने पूछा था, कैसे हम सपोर्टिंग लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन हम कैसे मैं कैसे आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। तो इसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए बहुत सारा इंडिकेटर है, जैसे आप मूविंग एवरेज 200 150 50 20 मूविंग एवरेज रहता है, और जैसे फिबोनाची लेवल रहता है, अलग अलग मेथड रहता है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मूविंग एवरेज और फिबोनाची यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए। तो यहाँ से मैंने एक लाइन दिया 3942 और 3883, ये सपोर्टिंग लाइन मैंने क्यों दिया उसका ऊपर में देखेंगे आपको। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने थोड़ा मूविंग एवरेज के लिए लार्ज टाइम फ्रेम लिया, तो लार्ज टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जो लाइन दिया हुआ है एक सिमोको लाइन 3883 पे आया हुआ है, और उसका साथ साथ यहाँ पे प्रीवियसली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया था, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया था, रेजिस्टेंस बनाया यहाँ पे, रेजिस्टेंस बनाया इधर सपोर्ट, राइट। तो इसलिए मैंने इसको ड्रॉ किया तो एक 388 है, राइट। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे भी देख सकता है ये रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, इधर भी सपोर्ट लेवल, राइट। तो आके यहाँ पे मूविंग एवरेज तो 200 और 150 एक साथ में ये सपोर्ट बना के रखा हुआ है, तो मतलब ये ज़्यादा स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो ये इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट मतलब पूरा नीचे आने का चांसेस है। तो जब मार्केट ये अराउंड 384 का आसपास आएगा तो मैं यहाँ पे बाय एंट्री करेंगे और SL इसका नीचे लगाएंगे। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो फिर से मैं सेल में घुस जाएंगे, राइट। नहीं तो यहाँ से मार्केट फिर से बाउंस होना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट अभी भी 4 आवर में अप ट्रेंड में है, राइट। तो और एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, तो इसको हम देखेंगे अभी फिबोनाची यूज करके तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बना। तो इसलिए मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया है, हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट, ये हायर पॉइंट सॉरी ये लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट को कनेक्ट कर दिया मैंने। ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट निकालने के लिए ऊपर की तरफ मैंने 0 लगाया और नीचे में 100 लगाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिबोनाची लेवल्स, ये था 2023 पीरियड, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था, यहाँ धार सपोर्ट था, इधर भी एक रेजिस्टेंस था, तो इसको ब्रेकआउट कर दिया तो नेक्स्ट आ गया कहाँ पे 38 पे, राइट। और इसको ब्रेकआउट कर दिया तो नेक्स्ट आएगा 50, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और कनेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्गली सपोर्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया सपोर्टिंग लाइन और साथ साथ में ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, जहां पे मैं अगर टाइम फ्रेम चेंज कर दूं तो ये दिक्कत मेरे को नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने 4 आवर लास्ट टाइम पे में निकाला और ड्रॉ कर दिया। अगर इसको हम 15 मिनट में भी आए तो भी ये जहां पे हमने ड्रॉ किया था उधर ही रहेगा, जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, अभी मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ जैसे यहाँ पे 38 पे हमें सपोर्ट मिला था, 23 में सपोर्ट मिला था,
अभी 50 मिनट में अभी सपोर्ट मिल रहा है, राइट 61 में सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी हमको देखना है कहाँ पे एंटी करना है। तो एंटी करने के लिए क्योंकि ये रिट्रेसमेंट है, हम एंटी करेंगे 38 में। अगर यहाँ पे हमें बाय कॉन्फर्मेशन मिले, तो अगर बाय कॉन्फर्मेशन हमें नहीं मिला तो हम इधर एंटी नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे 50 के लिए, राइट। अगर यहाँ पे भी हमें नहीं मिला तो बाय कॉन्फर्मेशन, तो हम वेट करेंगे बाय के लिए 61, क्योंकि ये रीजन में हम बाय कभी नहीं करेंगे जब तक हमें कॉन्फर्मेशन नहीं मिला, क्योंकि ये प्राइस अभी भी सपोर्टिंग का नीचे है, तो नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ आ सकता है, राइट। और यहाँ पे अगर बाय कॉन्फर्मेशन मिला तो बाय तब घुसेंगे, नहीं तो हम फिर से नीचे आया तो सेल में ही घुसेंगे, और इसमें भी सेल ही घुसेंगे यहाँ तक टारगेट 50 के लिए, क्योंकि अभी ये छोटा टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड ले लिया, छोटा टाइम फ्रेम में, बड़ा में अभी भी डाउन ट्रेंड लिया नहीं, बड़ा टाइम फ्रेम में अभी भी अप ट्रेंड है, वो रिट्रेस कर रहा है, मतलब प्राइस कंसोलिडेशन नीचे आ रहा है, राइट। अप ट्रेंड मतलब कभी कभी भी मार्केट, मैं रोज बोलता हूँ, कभी भी मार्केट कंटिन्यूअस स्ट्रेट अप जाता नहीं, राइट। मार्केट अप जाएंगे तो एक रिट्रेसमेंट, प्राइस कंसोलिडेशन करके जाएंगे, तो हमें निकलना है कहां तक प्राइस कंसोलिडेशन होगा, राइट, रिट्रेसमेंट करेगा, राइट। तो ये रिट्रेसमेंट के लिए ये लार्ज टाइम फ्रेम में मैंने निकाल लिया ये रिट्रेसमेंट पॉइंट, राइट, ये रिट्रेसमेंट पॉइंट, रिट्रेसमेंट पॉइंट, रिट्रेसमेंट पॉइंट, ये एरिया में हमें एंटी करना है, राइट। तो एंटी करेंगे यहाँ पे हमें अगर एंट्री अपॉर्चुनिटी मिले तो, नहीं तो हम नहीं घुसेंगे मार्केट में, राइट। तो हम अभी देखेंगे यहाँ पे कैसे, अभी देखेंगे हमें एंट्री पॉइंट के लिए हमें कॉन्फर्मेशन, क्या कॉन्फर्मेशन चाहिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमें कॉन्फर्मेशन क्या मिलना चाहिए। तो अलग अलग ट्रेडर का अलग अलग कॉन्फर्मेशन मेथड है, जैसे मेरा जो मेथड है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, राइट। तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ज्यादा स्मॉल है, राइट। तो इसमें मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और मैंने ये सपोर्टिंग लाइन निकाल लिया। तो मेरा एंट्री पॉइंट का मेथड है यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर फर्स्ट कॉन्फर्मेशन, जैसे मूविंग एवरेज कॉन्फर्मेशन जो रेड लाइन का छुटा वाला ये लाइन देखा हुआ है आपने, ये हो गया 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और साथ में ये जो ब्लू है ये हो गया 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर एंट्री। अगर ये 5 ने 20 को क्रॉस कर लिया, साथ में सपोर्टिंग जो जोन है उसका ऊपर प्राइस रहना चाहिए, यहां पे करेंगे तो हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि अभी ये सपोर्ट है, अगर प्राइस इसको क्रॉस कर दिया, प्राइस ऊपर रह गया ये सपोर्टिंग लाइन का, साथ में एक कॉन्फर्मेशन चाहिए हमें, ये परसेंटेज R50 लेवल को क्रॉस करना चाहिए। अगर 50 को क्रॉस नहीं किया, अगर नीचे रह गया, राइट, इसका नीचे अगर प्राइस है और सॉरी परसेंटेज नीचे आर नीचे है और मूविंग एवरेज क्रॉस कर लिया, तो हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक कॉन्फर्मेशन मिला हुआ है, ये हमें एक कॉन्फर्मेशन में हम एंट्री नहीं करेंगे, और कभी फेक भी हो सकता है, राइट। बहुत सारा मैं आपको देखा सकता है एंट्री जहाँ पे फेक होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें डबल ट्रिपल जितना ज्यादा कॉन्फर्मेशन हो सके तो वो लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें दोनों कॉन्फर्मेशन, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर और साथ में सपोर्टिंग लेवल का ऊपर होना चाहिए प्राइस, थर्ड परसेंटेज आर को भी क्रॉस करना चाहिए, तो मेरा एंट्री पॉइंट, तो एंट्री करेंगे बाय, राइट। और टारगेट रखेंगे मैं मूविंग जो पहले सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस बन गया ये 4038, तो वहां तक लेंगे SL, उसका नीचे अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट 2-3% नॉट मोर देन, और इसका नीचे, तो हम दोनों कैलकुलेट करके देखेंगे यहाँ पे हमें SL कितना पॉइंट आया हुआ है, अगर ज्यादा SL आएगा तो लॉट साइज कम कर देंगे और टारगेट ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो अभी देखेंगे, और फिर से यहाँ पे और एक ऑप्शन मिला हुआ है मूविंग एवरेज, ये 20 के आसपास जाके फिर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ से फिर से आ सकता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे अभी भी डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में हमें कभी बाय नहीं लेता, राइट। छोटा टाइम पे में डाउन ट्रेंड, अभी भी हमें बाय का कंफर्मेशन कुछ भी नहीं मिला, अगर सेल लिया तो आप थोड़ा ऊपर SL लगा के टारगेट ये 3883 तक रख सकते हैं, नेक्स्ट सपोर्टिंग लाइन, राइट। आप ट्रेंड लार्ज टाइम फ्रेम 4 आवर में
ट्रेंड अप है, 15 मिनट में डाउन है। दैट मींस ये जो 4 आवर में अप ट्रेंड है और 17 टाइम फ्रेम में अभी रिट्रेस कर रही है, तो हमें रिट्रेसमेंट पॉइंट को निकालना है, इसलिए हमें ये सपोर्टिंग लाइन रिट्रेसमेंट पॉइंट को निकाल रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए हमें वेट करना है कहां पे एंटी करना है, वो क्रॉसओवर चाहिए इसको भी, और मुझे लगता है और नीचे आने का चांसेस है, परसेंटेज आर अभी भी वो -80 का लेवल के आसपास ही है, राइट। तो अगर दोनों कंफर्मेशन मिले तो ही तो आप एंटी कर सकते हैं, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।